नमस्कार दोस्तों, आइए आज थोड़ी बेकिंग करते हैं। तो बनाते हैं पीनट बटर ओट्स के कुकीज। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पीनट बटर, पाउडर शुगर, घी, ओट्स का पाउडर और आटा। हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर करने के लिए सेम कप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम आधा कप क्रंची वाला पीनट बटर लेंगे। साथ में हम लेंगे आधा कप पाउडर शुगर। अब हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर इन दोनों को मिला के उसमें एक बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। अब ये तीनों चीजों को साथ में विस्क करेंगे। लगातार 5 से 7 मिनट इसको विस्क करना है। इससे ये मिक्सचर बिल्कुल लाइट और क्रीमी हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जो खाने के ओट्स होते हैं उसका पाउडर करके उसका आधा कप पाउडर ओट्स लेंगे और इस पाउडर को हमारे बटर और शुगर के मिक्सचर में मिला देंगे और साथ में विस्क करेंगे। अब हम 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें अपने डो में ऐड करना है, इसको हमें नीड नहीं करना। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि इसका अच्छे से डो बन जाए। अब ये कुकी का डो हमारा तैयार है। अब एक ओवन को प्रीहीट करके हम बेकिंग की तैयारी करेंगे। एक बेकिंग ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और कुकी डो को 12 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। अब इसे हमें शेप देना है। मैंने इसको राउंड शेप दिया है। एक फोक की मदद से इस पे हम क्रिस क्रॉस एक पैटर्न बनाएंगे। अब ये बेकिंग के लिए तैयार है। हमें इसे ओवन में बेक करना है 180 डिग्रीज पे 12 मिनट के लिए। अब ये बेक हो चुके हैं, इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। जब हम निकालेंगे तो ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे, पर जैसे ही ठंडे हो जाएंगे ये बिल्कुल क्रंची बन जाएंगे। सो हमारे पीनट बटर ओट कुकीज तैयार है। आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल बटन भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।